कि बिहार से जो मेरा रिश्ता है, आप लोग सोचते होंगे कि लॉकडाउन से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। बिहार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं जब अपनी पढ़ाई करने गया कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेरे जो रूम पार्टनर थे पहले पंजाब के थे दो लड़के, और मेरी कोशिश सब बिहार वालों में बिहार वालों में, और मेरे पंजाब वाले रूम पार्टनर पीट पीट के निकाल दिए और कुछ रूम पार्टनर बन गए। और तब से लेकर आज तक मेरा उनसे रिश्ता है। आपके साथ कहीं वो बीच में बैठे भी हुए हैं आज की तारीख में। और उसके बाद जब हम दबंग फिल्म कर रहे थे, तो दबंग फिल्म का जो किरदार था छेदी से, वो बिहार का जो मैंने समय बिताया है बिहार वालों के साथ, उन्हीं के साथ ही इंस्पायर था। कैसे वो बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, इसीलिए छेदी से चुलबुल पांडे पर भारी थे भैया। भैया कानून के हाथ और छेदी से की लाज दोनों बहुत सीखती है भैया। नहीं सर, मैं फॉलो करवाता हूँ। हम बुझे छी अपन अहाँ के, हम बुझे छी अपन अहाँ के, अहाँ बुझे छी नैन लड़ा के चैन चुड़ै लो, कहलो बड़ा बदनाम ये। और आज ये शायद आज इस इतिहास को इस ब्यूटीफुल पेंटिंग आपने बनाई है, क्या बात है यार। आज आ जाओ, जान फूक दी सर, जान फूक दी सर इसकी। कैसे घोड़ा कहते हैं बिहारी, सौ पे बिहारी, हजार पे बिहारी इस बार, और नाम भी मंजीत बिहारी। क्या बात है, क्या बात है, लव यू मैन, थैंक यू सो मच, कमाल क्या, थैंक यू सो मच दादा। सर भाई रखिए भाई, दे देना, मुंबई तक जाना चाहिए, समझ गए, घर में टांगना नहीं अपना। हाँ अच्छा, एक वीडियो क्लिप करते हैं, एक सर इधर, लड़का तो कड़कड़ा रही है सर, आपके लिए एक वीडियो है जो हमारी टीम ने बनाया है, सो अब यहाँ ऑडियो वीडियो। करीबन 7.5 लाख लोग थे उस समय, 7.5 लाख लोग, और उसमें से बिहार के बहुत सारे लोग थे। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा लोग बिहार के हैं, सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। माय गॉड, सोनू साहब जिंदाबाद,